मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य को लेकर तैयार करने और आकार देने में 18 साल का समय लगा, 8 साल का समय लगा है। समय के साथ अध्यापकों ने भी विद्यार्थियों को सफल बनाने और बेहतरीन बनाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ने और छात्र को आकार देने के लिए छात्र और अध्यापकों का साथ में मिलकर प्रयास करना होता है, जिसके बिना, जैसे एक पेड़ का विकास माली के बिना नहीं हो सकता, वैसे किसी भी बच्चे की जिंदगी का विकास शिक्षक के बिना नहीं हो सकता। आप सभी विद्यार्थी हमारी जिम्मेदारी थी। कभी कभी हमने तुम्हें प्यार से समझाया, देखभाल की और कभी कभी तुम्हें कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए दिया। विदाई समारोह पर कुछ कहना चाहती हूँ। आज हमारे स्कूल में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह है। हमें इस प्रतिष्ठित स्कूल में एक साथ खेल के मैदान में, पुस्तकालय में और प्रयोगशाला में बहुत मस्ती की है। हम अलग अलग परिवेश से आते हैं, हालांकि स्कूल में एक जैसे लगते हैं, कभी हम एक जैसी ड्रेस स्कूल ड्रेस पहनते हैं। हम सभी अलग अलग भावना और नजरिए रखते हैं। हालांकि हम स्कूल में अपने सीनियर से अच्छे व्यवहार को सीखते हैं। जब कि कभी भी हमने अपने गृह कार्य का या स्कूल के कार्य के लिए दंडित किया गया है, हमारे सीनियर ने हमेशा हमारी मदद की। आप हमेशा हर के परिस्थिति में हमारी मदद के लिए धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, ये वैसे तो आज एक खुशी का मौका है, क्योंकि आपकी विद्यालय की अभी शिक्षा पूरी हो गई। अब आपको नए विद्यालय में जाना है, नया सफर नए विद्यालय में जाकर प्रारंभ करना है। विदाई समारोह इसीलिए किया जाता है कि जो आपने यहाँ पहली क्लास से लेकर के आठवीं क्लास तक जो यहाँ शिक्षा प्राप्त करी है, और इस प्रांगण में इधर उधर घूमे हो, भागे हो, तो आपकी समृद्धियों में ये विद्यालय बस गया। अब आपको और आपके उज्जवल भविष्य के लिए पूरा स्टाफ इन यादों को संजोए हुए आपको यहाँ विदाई देने के लिए एकत्रित होता है, क्योंकि ये नाता जब टूटता है ना, क्यों आप एक साथ 8 साल तक यहाँ पढ़े लिखे और एकदम से आप छोड़ के दूसरे विद्यालय में जाएंगे, जाना एक जरूरी भी है नए सफर के लिए, नए सपने संजोने के लिए, क्योंकि ये विकास का एक मार्ग है। जहां हम यहाँ से जो शिक्षा हमें लेनी थी हमें मिल चुकी है, जिसके आगे की शिक्षा के लिए हमें नई जगह जाना ही होगा यदि हमें अपना खुद का विकास करना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, एक तो इसलिए ये जरूरी भी है। तो आप सब लोगों की जो याददाश्त इस विद्यालय से जुड़ी हुई है, आप एक परिवार की तरह रहे हो, क्योंकि जीवन में केवल बच्चों को दो ही व्यक्ति आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, एक तो पिताजी और एक आपके गुरुजन। इनको आपको आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। ये आपको विदा करने के बाद भी आपसे जुड़े रहेंगे। विदा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको यदि यहां से विदाई दे दी तो आगे से आप यहां नहीं आओगे। विदा करने का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ो और इसके बाद भी आपको कोई जरूरत पड़े, क्योंकि परिवार की तरह रहे हो, इसके बाद भी आपको यदि किसी सहयोग की जरूरत पड़े, सहयोग का मतलब आपको शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी कोई राय लेनी हो, कोई और आप विद्यालय में आकर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि दूसरी जगह आपकी अप्रोच नहीं है, दूसरी जगह आप किसको जाके पूछोगे। यदि आपको किसी भी तरह की कोई राय समझ कुछ भी लेनी है तो अपने विद्यालय में आकर अपने गुरुजनों से पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी एंट्री सुलभ है, यहाँ पहले से आप लगातार 8 साल से आ रहे हो, तो इसलिए यहाँ आकर पूछने में आपको कोई भी वो गिला शिकवा नहीं होगा, आपको लेगा कि चलो गुरुजी से मैडम से जाके पूछ के आते हैं इसका क्या होगा। तो आपका ये पूरा स्टाफ आपकी उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको इसलिए विदा कर रहा है ताकि आप
आगे जाकर तरक्की करो, आगे जाकर अच्छे से और बढ़ो, पढ़ो और इस विद्यालय का नाम रोशन करो, क्योंकि ये विद्यालय आपके जीवन में बस गया है। आप चाहे आगे कितनी ही पढ़ाई कर लो, यहां से जाने के बाद आपकी प्राइमरी शिक्षा यहीं से मिली है, तो आपके ये विद्यालय आपकी जिंदगी में ये जमा हुआ रहेगा, आपको याद रहेगा कि मैं उस विद्यालय में पढ़ा हुआ हूं या उस विद्यालय में पढ़ी हुई हूं। ये चाहे कितने बड़े अफसर भी बन जाओगे तो भी इस विद्यालय से आपका नाता टूटेगा नहीं, जुड़ता रहेगा, जुड़ा रहेगा। आज आपके ये गुरुजन है, ये चले जाएंगे, दूसरे गुरुजन आ जाएंगे, जब आप बड़े होंगे तो आप भी जैसे ये बीएड कर रहे हैं, आप भी दूसरे और आप भी कोई अच्छी जॉब में जाओगे या बीएड करोगे या और कोई दूसरी नौकरी करोगे तो भी आपको ये लगेगा कि नहीं, मेरे को मेरे विद्यालय में एक बार जाके आना चाहिए। और यहाँ विदाई होने के बाद भी ये होना चाहिए कि आपको जब भी लगे, क्योंकि ये आपका विद्यालय है, आपको जब भी लगे कि मैं मेरे विद्यालय में एक बार जाके आऊं तो आप महीने दो महीने जब भी आपका मन करे एक विद्यालय में जरूर आपको आना है। विद्यालय में आकर अपने यहाँ के घूम फिर के आप अपने विद्यालय में जहां जहां आप घूमे फिरे हो सबका सम्मान करना है और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहना है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथि तथा प्राचार्य महोदया और अध्यापकों से निवेदन करती हूँ कि वह हमारे इन छात्रों का तिलकार्जन कर इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आगे बढ़ते रहो।